नमस्ते भाई बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमित के साथ योग पर। मैं अमित नामदेव। चलिए आज हम लोग योग करेंगे 5 मिनट में प्रोस्टेट के लिए। तो अगर आप प्रोस्टेट की समस्या से जूझ रहे हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप ये 5 मिनट का योग कर सकते हैं आपके प्रोस्टेट की समस्या के समाधान के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने पैरों को ऐसे मिला लें, देखें कि आपकी जो बैक है वो सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे जब भी आपकी बैक सीधी रहेगी तो क्या होता है कि ये जो हमारी टेल बोन है वो ऐसे ऊपर होती है और ये एरिया थोड़ा नीचे जाता है, तो इससे क्या होगा आपके इस एरिया में आपको स्ट्रेच है वो मिलेगी। और यही हमें करना है ना, हमें स्ट्रेच देना है इस एरिया में ताकि जो ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलेट हो सकें और हमारी समस्या दूर हो सके। तो आप अपने पैरों को ऐसे पकड़ें, छाती को थोड़ा ऊपर रखें, उसके बाद अपने पैरों को शेक करें। तितली आसन ये बहुत ही उपयोगी है, ये प्रोस्टेट की समस्या नहीं बल्कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में भी काफी उपयोगी होगी। उसके बाद अपने पैरों को धीरे से रोकें और आपके पैर को एडजस्ट करें आप। उसके बाद आपके हाथों को ऐसे नी के ऊपर लेके आएं और थोड़ा और पुश करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप यहाँ प्रेशर देंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। धीरे से वापस आएं और सुखासन में जाके आपके दाएं पैर को ऐसे ऊपर उठाएं, जितना ऊपर हो सके उतना उठाने की कोशिश करें और फिर ऐसे शेक करें पैर को। आंख बंद कर सकते हैं। के बाद धीरे से पैर को रोकें और अपने पैर को चेंज करें, बाएं पैर को ऊपर उठाएं जितना हो सके और शेक करें। के बाद आपके पैरों को नीचे लेके आए और वज्रासन में बैठने की कोशिश करें। अगर आपकी नी में प्रॉब्लम है तो आप एक पिलो नीचे पैरों के और एक पिलो यहाँ रख सकते हैं। वज्रासन बहुत ही उपयोगी आसन है तो इसको करना ना भूलें। आंख बंद करें। और वज्रासन में जितनी देर आप बैठ सकें उतनी देर आप बैठ सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप वज्रासन करेंगे उतना ज़्यादा आपके प्रोस्टेट में उपयोगी होगा। फिर जब भी आप रेडी हों धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। नमस्कार। तो ये 5 मिनट का योगा आपको बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आप इसको ज़रूर करें, और अगर आपके पास टाइम है और आप ज़्यादा योग कर सकते हैं तो कृपया लिंक के ऊपर क्लिक करें और आप लॉन्ग प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अमित के साथ योग में ज्वाइन किया और आशा है कि आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।